प्रधानमंत्री मोदी, सीधे कहिए तो मोदी, महात्मा और मार्टिन लूथर, ये चर्चा चल पड़ी है क्योंकि कुछ देर बाद, शिखर वार्ता के तुरंत बाद जो जानकारी आ रही है उसमें पहले मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल में जाएंगे प्रेसिडेंट ओबामा के साथ प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद वो वहाँ से आकर प्रेस को संबोधित करेंगे, या जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जिक्र हो रहा है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा है, वो उसके बाद होगा। और ये वाकई कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बात का भी जिक्र निकला है कि बार बार इस बात का जिक्र मेडिसन स्क्वायर पे हुआ था कि मेरे जहन में सपना है, मैं सपना देखता हूँ। तो याद कीजिए 1963 अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट चला था, और उस वक्त 1963 में जो मार्च किया गया था वाशिंगटन की तरफ में, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था, आई हैव ए ड्रीम। ये सारी बातें होंगी जैसे ही वो मेमोरियल पहुंचेंगे, और इन सब के साथ इस बात का भी जिक्र होगा कि महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब मोदी को अमेरिका में जिस तरीके से बेहतरीन स्वागत के साथ जो उनको वहाँ पर दोनों देशों के साथ संबंधों के मद्देनज़र एक सेतु के तौर पर, एक पुल के तौर पर देखा जा रहा है, इसके मतलब आने वाले वक्त में क्या वाकई एक नई स्थिति में और एशिया की धुरी भारत बन जाएगा, क्या ऐसे संकेत इससे मिल सकते हैं, या फिर एक सवाल चाइना का बार बार टकराता है। हम अब बात जरा चाइना के मद्देनज़र भारत और अमेरिका के रिश्तों पर करेंगे। मुनि साहब, आप ही से बातचीत शुरू हम कर रहे हैं, क्या इस बातचीत के केंद्र में कहीं चाइना है? चाइना इस बातचीत के केंद्र में ज़रूर है, लेकिन वो दोनों तरफ है। और मैं हिंदुस्तान की तरफ से अगर कहूँ तो अभी तक भी चीन और अमेरिका के क्या रिश्ते उभरेंगे इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम नहीं जा, देखिए लोग G2 की बात करते हैं, अगर अमेरिका ढलता रहा धीरे धीरे तो कहीं इस स्थिति में नहीं आ जाए कि वो G2 करे, या दोनों में कोल्ड वॉर होगी या दोनों में हॉट वॉर होगी। ये तीन ऑप्शंस हैं बड़े, और अभी दुनिया का कोई भी मुल्क, जापान भी नहीं है, जापान को भी इस बात का पूरा भरोसा नहीं है कि अमेरिका और चीन के उभरते हुए रिश्ते आखिर में क्या रूप लेंगे, कहाँ सेटल होंगे। दोनों के केंद्र में चाइना, आप इस बात का दोनों के केंद्र में। मल्होत्रा साहब, देखिए एक अंग्रेजी में बोलते हैं देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, तो हम जायज़ तौर पर अगर चाइना का नाम ना लें, लेकिन चाइना कहीं परिप्रेक्ष्य में ज़रूर है। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ध्रुवीकरण देखें, और अमेरिका क्या चाहता है और हो क्या रहा है उसको देखें। अमेरिका ये जानता है कि ही इज़ अ सॉलिटरी सुपर पावर टुडे, अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रिफेस में कोई सुपर पावर है तो अमेरिका, और वो ये भी चाहेगा कि ये स्थिति बनी रहे, ये स्टेटस को की स्थिति। लेकिन स्टेटस को के खिलाफ एंटी स्टेटस को फोर्सेस हैं। एक तरफ हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं कि ध्रुवीकरण बट जाए, अलग अलग ध्रुव पैदा हो जाए, और दूसरी तरफ हम बाइपोलैरिटी की बात करते हैं जहां चाइना ये कह रहा है कि मैं इसको चैलेंज करूं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत एक ऐसी स्थिति में है जिसको हम स्विंग स्टेट कहते हैं, यानी स्ट्रैटेजिक बैलेंस एक किस्म से है, और भारत जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ वो स्ट्रैटेजिक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसी का दबाव अमेरिका पर है, इसका दबाव अमेरिका और चाइना भी ये चाहेगा कि ये ना हो। साहब, एक बात कल CFR में एक सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री मोदी से कि चाइना के साथ आपके सीमा को लेकर जो विवाद है उसके मद्देनज़र आपको क्या आर्बिट्रेशन की ज़रूरत है, या क्या आप सोचते हो? इन्होंने बहुत साफ कहा था कि हम सुलझा लेंगे, खुद ही सुलझा लेंगे, ये बायलेटरल है और हम लोग विवाद है मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, सुलझा भी लेंगे। इसका एक मतलब ये है कि पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा हम सुलझा लेंगे, आपको बायलेटरल करना चाहिए, चाइना को लेकर कह रहे हैं, अब जब अमेरिका से बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि भारत, ये जिसका जिक्र उन्होंने कह दिया, एक स्विंग पोजीशन में है भारत, जिस दिशा में जाएगा वहाँ मजबूत? नहीं, भारत स्विंग पोजीशन में जाएगा यदि भारत की जो राजनीति है और विदेश नीति वो भारत सेंट्रिक हो। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस पक्ष में जाएंगे, इस खेमे में जाएंगे या उस खेमे में जाएंगे। जो मोदी ने कहा उससे पहले और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो हमारे बायलैटरल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको बायलैटरली रखेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका का हस्तक्षेप हो चीन में या पाकिस्तान के साथ, ये रहेगा। एक हम चूंकि इस चीज़ पर आ रहे थे, 1962 बार बार निकल कर आता है और नेहरू की फेलियर जो माना जाता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब दौड़ में थे उस वक्त उन्होंने लगभग 16 मीटिंग में जिक्र किया था चाइना का जिक्र, और चाइना वार और 62 नेहरू की फेलियर और जो भी चीज़ था सब जिक्र वो किया करते थे। ये अब की स्थिति में क्या ये माना जाए कि जिस चाइना को लेकर मोदी
जिस लहजे में चल पड़े हैं, कांग्रेस के दौर का फेल्योर था वो? कांग्रेस के दौर का क्या फेल्योर था, उस वक्त की कुछ परिस्थितियाँ थीं। ये सही है कि नेहरू जी ने चीन पर जिस तरह का विश्वास किया था उस वक्त, चीन ने उसका जवाब किसी और तरह से दिया, लेकिन इसको किसी एक व्यक्ति विशेष का फेल्योर मान लेना ठीक नहीं है या किसी एक राजनीतिक दल का फेल्योर मान लेना ठीक नहीं है। लोगों को अच्छा लग रहा था, लोग तालियां बजाते थे जब 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 चाइना का जिक्र इस रूप में हुआ था कि किस रूप में उसने हमला किया, और जब कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं, देश की कोई भी सरकार बाकी तमाम मुल्कों से और खासकर अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करती है। नेहरू जी ने भी चीन के साथ वही किया था। चीन ने उसका जवाब किस तरह दिया ये इतिहास की बात है, इसको किसी एक व्यक्ति विशेष के फेल्योर से जोड़ना ठीक नहीं है। मैं उसमें एक स्लोगन बता रहा हूँ, उसमें एक स्लोगन था, देश न हारी फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। वो 62 की जो हार, किसका स्लोगन था ये? ये देश की जनता का स्लोगन था और जनता का स्लोगन नहीं था। मैं ये बता रहा हूँ, इस नारे को देखिए, मैंने ये कहा कि देखिए उस समय के दौर में जो नेहरू के सबसे घनिष्ठ मित्र पत्रकार थे शंकर्स वीकली में, उन्होंने लिखा नेहरूज रोड टू डिसऑनर। चाइना की नीति पर कांग्रेस में ही बहुत विवाद था और कृष्ण मेनन के प्रभाव में नेहरू थे। इसमें कोई अब ये इतिहास सामने आ गया, इतिहास सामने आ गया। लेकिन इसमें दो ज्योति जी में दो, लेकिन अब के दौर में अगर हम आ रहे हैं और चाइना क्या वाकई उस सिचुएशन में है, दो देशों को करीब लाने के, चाइना का अमेरिका को अपने सुपर पावर स्टेटस बचाने की चिंता है, भारत को अपनी संप्रभुता पर उससे आ रहे खतरे का है। चाइना एक रियल खतरा है भारत के लिए, कोई छद्म खतरा नहीं है, और चाइना के बारे में कोई गलत फहमी भारत नहीं, राकेश जी यही हम कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के दौर में कभी कांग्रेस नहीं कहती थी, मोदी लगातार इस बात का चुनाव के दौर में जिक्र करता है, अमेरिका इसको जानता है जी, इसीलिए उसके बेहतर रिलेशन होंगे इंडिया के साथ जब चाइना। देखिए किसी भी संबंध में चाइना एक उपचेतना में रहता है, जब भी कोई डिप्लोमेटिक टॉक होता है चाहे कोई भी रिजिम हो, चाइना भारत के डिप्लोमेट्स के उपचेतना में विद्यमान है। ये जो आपने नेहरू वाली बात कही कि नेहरू ने विश्वास किया चीन के ऊपर और फिर हमला किया चीन ने, अभी देखिए पिछले महीने जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति जब आए थे, जब चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं, साबरमती के किनारे पे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति हाथ मिलाते हुए वहाँ पे झूला झूलते हैं वगैरह वगैरह, और उसी वक्त साथ साथ चीन के जो सैनिक हैं वो भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके भारत की जमीन के अंदर आ जाते हैं। ये भी कोई छोटा विश्वासघात नहीं है, लेकिन मेरा ये भी कहना था, ये तो अमेरिका से संबंध नहीं, नहीं देखिए 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 नहीं नहीं देखिए और ये मुझे लगता है कि मोदी ये अच्छी तरह समझते हैं, मोदी ने ये अच्छी तरह समझा है कि चीन के साथ वो हाथ बढ़ाना चाहते थे कि आप आर्थिक रिश्ता हम दोनों जो है भारत और चीन तय करें, इकोनॉमिक हमारी पार्टनरशिप बढ़े, और जितनी हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ेगी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जब चीन ने देखिए चीन के जो किस प्राइम मिनिस्टर ने साथ बैठकर जिक्र किया कि विवादास्पद है हमारी सीमा और इसको पहले सुलझाइए तब बात होगी आगे, मोदी ने किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किया, और कब किया, जब उनको ये पता चला कि शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति के भारत के अंदर उनकी मौजूदगी के साथ साथ चीन के सैनिक भी भारत की क्या कहते हैं जमीन के ऊपर है, तो अब ऐसा कभी पहले नहीं हुआ 1962 के बाद। ये इस बात को मान रही है, एक तरफ बातचीत दूसरी तरफ इन्वेशन, लेकिन तो है कि आज जो खबर है आप सब खबर मैं उसी के आ रहा हूँ। देखिए आज आर्मी चाइना के पीछे गई है, सुषमा जी ने 3-4 दिन पहले कहा था कि 29 तारीख तक दोनों अपने अपने पोजीशन में पीछे चले जाएंगे, और आज वो हुआ है। तो ये स्वाभाविक रूप से एक पीसफुल सोल्यूशन जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं जिनपिंग के प्रेजेंस में कहा था कि हम डिस्प्यूट का सोल्यूशन चाहते हैं, कल भी जब सीएफआर को उन्होंने कहा तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि पीसफुल होना चाहिए। स्पष्ट रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन से प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति चाइना के प्रेजेंस में भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच में एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा, देयर इज अ व्हाइट एलिफेंट एंड अ बिग एलिफेंट हाइडिंग समवेयर इन द रूम, हम जस्ट हाइडिंग इन द सेंस ये होता है कि जो चीज दिख रही, एलिफेंट कभी हाइड नहीं कर सकता किसी फर्नीचर के विषय में, इस पीछे ये बिल्कुल सही बात है। इसको हम हाइडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि होते हुए भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या वो है
सबको पता है वो है, मगर फिर भी डिस्कशन हो रहा है, दैट्स व्हाई द एलिफेंट इज हाइडिंग। एलिफेंट है वो दिख रहा है, हाइडिंग है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं। चंद सेकंड में खत्म होने वाली है जो जानकारी आ रही है, अब किसी भी वक्त शिखर वार्ता खत्म हो सकती है। अब उसके बाद ये है कि वो मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल जाएंगे, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत होगी और ये बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है। हम इसी को बताने के लिए आए थे, लेकिन आपसे वो कमेंट चाहेंगे कि जो चाइना वाला मसला उलझा हुआ था उसमें एक बात सामने आई कि 2005 में जब समझौता हुआ था तो उसमें बॉर्डर इशू को लेके गाइडलाइंस का जिक्र जब कर दिया गया था तो ऐसी कौन सी चीज़ आ गई प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय जिसको लेके बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र करती है कि सिर्फ इसी वक्त हुआ है? नहीं नहीं नहीं, देखिए जो फॉरेन पॉलिसीज होती है डेफिनेटली वो एक कंटिन्यूम में होती है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ भी हो जाता है। मगर जिस प्रकार का जिस प्रकार का पोस्चरिंग की आवश्यकता होती है, आपने खुद भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रेजेंस में जिस शिद्दत के साथ बॉर्डर के विषय को उठाया वो अपने आप में ऐतिहासिक। दूसरा जवाब दे दीजिए, ऐसे कौन से चाइनीज प्रीमियर या प्रेसिडेंट आए थे जिस समय आए हों और सीमा पर? इसका उत्तर मैं देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़े एक्सपर्ट की पैनल बैठी है, आप इनसे पूछिए, यहाँ दो मत मिलेगा। एक मत ये मिलेगा कि क्या शी जिनपिंग चाहते थे कि जो चाइनीज इंट्रूडर्स हैं, जो आर्मी है वो इंट्रूड करके आए? अगर ऐसा होता तो शी जिनपिंग यहाँ से जाने के दो दिन के पश्चात ही उनके आर्मी को संबोधित नहीं करते और ये नहीं कहते कि कमांड लाइन को फॉलो करने की आवश्यकता थी। ये नहीं कहते कि 30 तारीख को उनके विदेश मंत्री ने कहा कि 30 तारीख तक ये पीछे आ जाएंगे। स्वाभाविक रूप से यह भी एक चर्चा का विषय है कि शायद शी जिनपिंग के अंडर में ये सब कुछ नहीं हो रहा था। प्रसून, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पिछले साल जब डेपसांग में इसी तरीके का इंकर्जन हुआ था चीन के सैनिकों की तरफ से, तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था और चीन के प्रधानमंत्री भारत आने वाले थे और भारत ने तब चीन से कहा था कि अगर आपके सैनिक वापस नहीं जाते तो आपके प्रधानमंत्री भारत नहीं आ सकते। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम इस पे करेंगे, क्योंकि जानकारी जो आ रही है वो ब्रेक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो सकती है क्योंकि वहाँ भी हलचल देखी जा रही है।